लघु शंका जाने के बाद आप लोग क्या क्या करते हो? हाथ पांव धोते हो, सही बताओ, और शौच करने के बाद नहाते हो, सही? आज बुखार है फिर भी नहाए, घर पे भी रोज नहाते हो आप जी? नहाते हो शौच करने के बाद? नहाते हो आप जी? नहीं नहाते? क्यों नहीं नहाते? नियम देखो, ये वैश्विक नियम है, ये बहुत ज्यादा, ये तो जन्म से हम लोगों को माँ बाप को देखते देखते संस्कार आ ही जाता है। लघु शंका जाओ तो चार कुल्ला करना चाहिए, हाथ मुंह धोलना चाहिए लघु शंका के बाद, और शौच करने के बाद पूरा स्नान कर चुके हो तो अर्ध स्नान करना चाहिए, और पहने हुए कपड़ों को गीला करना चाहिए, कम कपड़े पहन के जाओ शौच करने के लिए। पूरा स्नान ना करो तो अर्ध स्नान करो, स्नान करके ही शुद्धि होगी। अब अच्छा बताओ, आपको क्या लगता है? आपको महाराज जी हम तो शौच करने गए थे और इसके बाद हाथ धुल लिए, हो गया ना? केवल हाथ धुलने से शुद्धि नहीं होती, शौच के बाद तो स्नान किए बिना शुद्धि नहीं होती। आजकल लोगों की बुद्धियां क्यों बिगड़ी हैं? क्यों इतना टेंशन है? क्यों अशांति है? क्योंकि पवित्रता नहीं है। अच्छा, मच्छर और मक्खी कहां होते हैं? अच्छी शुद्धि में कि अशुद्धि में? हाँ, तो जब आप अशुद्ध रहेंगे तो आपको नेगेटिविटी पकड़ेगी, नकारात्मकता पकड़ेगी। जब आप शुद्ध रहेंगे तो आपके पास नकारात्मकता नहीं, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, क्योंकि आप शुद्ध हैं। मच्छर भी अशुद्धि में जाता है, ऐसी नेगेटिविटी भी अशुद्धि में। ये नियम था, ये बताने की चीजें नहीं है, पर भी हम आपको बता रहे हैं। बच्चों को सिखाओ, आप सीखो। आप अत्यधिक वृद्ध हो गए हैं, आप बीमार हैं, वो अलग विषय है। कभी कभार बीमार बच्चे और बूढ़ों को दोष नहीं लगता। देखो, बच्चे तो माँ की गोद में छिछी कर देते हैं, बच्चों का दोष नहीं है। बच्चों का तो माँ केवल साफ कर देती है और साफ करके कपड़े पहना देती है, उसमें कोई दोष नहीं, बच्चे हैं वो, बच्चे हैं। लेकिन जब आप बड़े हो गए, आप 10 वर्ष के हो गए, तो हमारे यहां तो छोटे 5 साल का, सबसे छोटा बच्चा हमारे यहाँ 5, 5.5 साल का है, वो भी शौच करने जाता है तो स्नान करता है, 5.5 साल का बच्चा भी। जैसी राख है शुद्धि, वैसी बने बुद्धि। इसलिए आजकल बुद्धियां भ्रष्ट क्यों हैं? इसका मूल आप मानो ना मानो, पर शुद्धि से बुद्धि का संबंध है। वरना ये कहावत क्यों बनती कि जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसा अन्न वैसा मन, इनका इफेक्ट तो है, इसलिए बातें कही जाती हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए।